नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कबला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इसके अंतर्गत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले यहाँ पर आप रहेंगे। आप जैसे जातक फुर्ती में काम करना पसंद करते हैं, बहुत लंबे समय तक किसी बात पर विचार करते रहना ये आपके नेचर में नहीं है, और किसी के अंतर्गत या किसी के दबाव में रह करके तो बिल्कुल भी काम नहीं करते। खुद के मन मुताबिक काम करना, इंडिपेंडेंट नेचर रखना और अपने हाथ के नीचे दूसरों को काम कराने की जो सक्षमता है, आप जैसे जातकों में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब क्या होगा कि सारे फिंगर के कंपेरिजन में लिटिल फिंगर यहाँ इंडिपेंडेंट है, तो इस कंडीशन में आप सुन सबके लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में ज़्यादा कोई फर्क है नहीं, फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है, जिसके कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, जिसके अंतर्गत बहुत कम उम्र से ही जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेने लग जाते हैं, और ये अच्छा नॉलेजेबल पर्सनैलिटी भी क्रिएट करता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फिंगर के जो नोड्स हैं वो यहाँ पर कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, चलना ज़्यादा पसंद करेंगे। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक देखने को मिलता है। थंब का साइज इसमें सशक्त व मजबूत है, तो इस कंडीशन के अंतर्गत आप जैसे जातक छोटी से छोटे पुराने से पुरानी बातों को भी क्लियर कट याद रख पाने में सक्षम रहते हैं, और जहाँ थंब का ज्वाइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी, जिसके अंतर्गत तो समय परिस्थिति के अनुसार आप ढल जाने वाले, अपने डिसीजन या प्लानिंग्स के अंदर चेंजेस कर लेने वाले और दूसरों को जल्दी माफ कर देने वाले भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके पाम के साइज के विषय में बात की जाए, तो आपका पाम का साइज जो है वो लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम डिजायर एम्बिशंस को रिप्रेजेंट करता है, जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच इस कंडीशन में देखने को मिलती है। और अब यहाँ पर बात करते हैं गुरु के क्षेत्र से, तो आपका गुरु बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। इस प्रकार का गुरु जीवन में सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख व दाम्पत्य सुख, ये तीनों देने वाला रहता है, और आपके हथेली में एक प्रोग्रेस लाइन बहुत स्ट्रांग निकली हुई है। इसका एज यहाँ पर 23 बैठेगा, तो यानी 23 के एज से आपने जीवन में निरंतर तरक्की करना प्रारंभ किया, जो इस बात का प्रमाण है कि 23 के एज से आप दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील होते चले गए, जिसके अंतर्गत सुख सुविधा संसाधन जीवन में बढ़ते हुए देखने को 23 के एज से आपके जीवन में मिल रहा है। और इसके बाद निरंतर तरक्की करना, अपने इच्छा अरमानों की पूर्ति करना या इच्छा अरमानों के ऊपर काम करना, जुनूनियत बहुत ज़्यादा होना, ये सब देखने को मिल रहा है। गुरु पर ऐसी जो आड़ी रेखाएं होती हैं ये धार्मिक बनाती है, तमाम तरह के धर्म ग्रंथ एवं रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि को ये बढ़ाता है, दयालु किस्म का प्रवृत्ति देता है। आपके सामने अगर किसी ने हाथ फैला दिया तो बिल्कुल उसको खाली हाथ जाने नहीं देंगे, इसीलिए ये करुणा दयाशील व्यक्तित्व को भी यहाँ पर दर्शाता है। इस कंडीशन में धर्म कर्म में कभी भी पीछे हटने वाले नहीं होते, और इसी कारणवश जो आपका गुरु है वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा कर रहा है, जिसके कारण ये जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधा आपको देगा, और जितना ज़्यादा आप दान धर्म करेंगे तो उतना ज़्यादा जीवन में प्रगति आपका होता चला जाएगा, और बड़े स्तर तक काम होने के योगों को भी यहाँ पर यह दर्शाता है, यानी अच्छे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त होने के योगों को यहाँ पर यह बतला रहा है। यहाँ पर बात करें शनि के विषय में, तो आपको जो शनि की स्थिति है वो आपके हथेली में बिल्कुल ही सामान्य है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एक काली रेखा भी जा रही है, तो थोड़ा आपको मूड स्विंग का इशू रहेगा। मूड स्विंग मतलब ये होता है कि भावनाओं में बार बार फेर बदल देखने को मिलता है, कभी बहुत ज़्यादा भावुक रहेंगे, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, कभी एग्रेसिव भी इवन देखने को मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का वातावरण है, लोग हैं, उसके अनुसार अपने इमोशंस, फीलिंग्स को एडजस्ट कर पाएंगे। आपकी हथेली में मून लक लाइन है, मून लक लाइन वो होती है जिसमें जन्म स्थान से दूर ही भाग्योदय देखने को मिलता है, शादी के तत्पश्चात जीवन में और ज़्यादा सुख समृद्धि बढ़ती है, लोगों के सहयोग के द्वारा जीवन में तरक्की देखने को मिलता है, और आप अपने मन का सुन करके जीवन में अत्यधिक काम करने वाले रहेंगे। आपका जो ये भाग्य रेखा है ये बहुत ज़्यादा फेल करके चलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आपका ये उम्र हो जाएगा तकरीबन 36 और 7 का, यानी 36-7 तक तो पूरा का पूरा संघर्ष में जीवन बीता, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ी, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। फिर उम्र तकरीबन 40 जैसे आपने टच किया, उसके बाद आपके जीवन में सुख सुविधा
या शांति जो है वो बढ़ने लगा। और फिर शनि पर जब ऐसी रेखा होती है तो जीवन में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं होती। तो भाग्य रेखा है, लेकिन इस भाग्य रेखा ने भी बहुत संघर्ष के बाद आपकी इच्छा अरमानों को पूरा किया। एक सिंगल मेहनत से काम नहीं बनता है, छोटे से छोटी चीज के लिए भी भागा दौड़ी, संघर्ष या मेहनत ज्यादा करना इस कंडीशन में पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाग्य रेखा ने कभी आपकी हथेली में साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए अब आने वाले जीवन में आप पूर्णतः संतुष्ट रहेंगे और पूर्णतः खुशी आपके जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके सारे मनोकामना इच्छाएं पूर्ण होते हुए आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सूर्य के ऊपर आप देखेंगे तो आपको एक क्रॉस का साइन दिखेगा। इस कंडीशन में अपने ही लोगों के द्वारा धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज होना, या जिन लोगों पर भरोसा किया है वही कहीं ना कहीं यूज करके चल जाते हैं, बहुत मेहनत के बावजूद भी उस प्रकार का मान सम्मान या इज्जत ना मिल पाना जितना एक्सपेक्ट करते हैं, वो यहाँ पर क्रॉस का साइन दर्शा रहा है। पिता से भी ये बेचारे कनबन मतभेद देता है, लेकिन आगे चल करके यही जो सूर्य रेखा है ये मल्टीपल लाइंस के साथ यहाँ पर आपके एक प्रकार से जो है रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बना रही है, जिसके कारण प्रॉपर्टी अच्छे अर्जित करने के योग बनते हैं। यहाँ पर भी एक ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बनेगा जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराता है। तो सूर्य आपका इस बात का प्रमाण है कि संघर्ष के बाद मिलने वाले सफलता को ये दर्शा रहा है, सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल। इसीलिए लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे आपने, लेकिन कभी हार नहीं मानी। रीजन इसके पीछे ये है कि आपका जो मस्तिष्क रेखा वो मजबूत है, और ऊपर से सपोर्टिव सनलाइन भी है जिसने आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखा, और खुद के दम पर नाम इज्जत कमाने के पूर्णतः योग आपके हथेली में दिख रहे हैं। वहीं बात करें अब मरकरी के विषय में, तो मरकरी और बुध, बुध और सूर्य के बीच में आप देखेंगे तो वी सिंबल का साइन दिखेगा, जैसे यशस्वी हो कहते हैं। और इस कंडीशन में खुद के दम पर प्रॉपर्टी बना पाने में, अच्छा खासा साम्राज्य स्थापित कर पाने में सक्षम रहते हैं। बुध जो है व्यापार का कारक होता है, वाणी का कारक होता है, और यहाँ पर एक से अधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाती है, लेकिन आपके जो लिटिल फिंगर है उसकी लेंथ बहुत शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक होता है। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के सामने प्रॉपरली अपनी बात को नहीं रखते, बातों को थोड़ा मन में दबा लेने वाले देखने को मिलते हैं। और अगर एक समय पर एक से ज्यादा काम हाथ में लेंगे तो हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी चीजें उत्पन्न होने लगती है। वहीं जो आपकी हृदय रेखा है ये सीधे के सीधे यहाँ पर जा रही है, और इसमें एक शाखा निकल के सीधे गुरु तक पहुंचा है। तो इस कंडीशन में भावनात्मक रूप से एक प्रकार से ज्यादा सोचने विचारने वाले देखने को मिलते हैं, और इस कंडीशन में दिल के बहुत साफ होते हैं, धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाते, ना ही कभी किसी का मिसयूज कर पाते हैं। आप जैसे जातक भावुकता के अंतर्गत अधिकतर मामलों में निर्णय लेने वाले देखने को मिलते हैं, इसीलिए दिल से ज्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेने की पूर्णतः योग बनते हैं। यहाँ से एक शाखा निकल के मंगल पे भी जा रही है जो थोड़ा सा एग्रेसिव बनाती है, और इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग भी तकलीफ होने के योग बनते हैं। इसीलिए जितना हो सके जल्दबाजी, हड़बड़ी या एग्रेशन में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से बचें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके मस्तिष्क रेखा के बारे में, तो मस्तिष्क रेखा एकदम सीधे स्पष्ट यहाँ पर जा रही है, और इसमें जो बायफोर्क का एक साइन हुआ यानी ओवरलैप करके एक शाखा जो है आपकी ऊपर की तरफ चल गई और एक शाखा नीचे चल गई है। तो इस कंडीशन में हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। अब क्या हो गया कि आपकी जो माइंड लाइन है पूर्णतः लंबाई में आ गई, तो इस कंडीशन में कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, रिसर्च करते रहना, मेमोरी शार्प देखने को मिलना, जिसके कारण छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहना, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ जाने के योग भी यहाँ पर बनते हैं। यहाँ से एक शाखा देखेंगे आप जो मरकरी के ऊपर गया, जो अर्निंग कैपेसिटी को बहुत हद तक बढ़ाता है, और जब बायफोर के साइन से मरकरी लाइन गुजरती है तो इस कंडीशन में ये व्यापारिक गुण भी बहुत अच्छा देता है, धन बनाने की योगों को भी दर्शाता है, यानी अच्छा धन अर्जन होने के योगों को ये दर्शाता है, और जीवन में संतुष्टमय निर्णय लेने के योगों को भी दर्शाता है। तो आपके जीवन में जो एक प्रकार से मानसिक रूप से भाग्य उदय है वो तकरीबन 36 और 37 के एज में ही देखने को मिला। उसके पहले लाइफलाइन में भी एक आइलैंड का फॉर्मेशन था, तो उम्र 21 तक तो संघर्ष फिर ज़्यादा दिख रहा है। फिर मस्तिष्क रेखा में स्थिरता रही है, लेकिन उस समय भी मंगल की रेखा डबल लाइन ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट दे रहा है, जो उम्र तकरीबन आपको 27 से लेकर के 33 की उम्र तक था। फिर उसका 36 और 37 के बाद से जीवन में कहीं ना कहीं संतुष्टि और उन्नति ये दोनों एक साथ देखने को मिला। इस प्रकार का मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा आइडियाज देता है, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण हमेशा विपरीत परिस्थिति माहौल व्यक्ति का सामना बड़ी सरलता से कर पाने में सक्षम होता है। आपके काम देरी से जरूर बन सकते हैं, लेकिन कभी भी रुकेंगे नहीं आपके काम, जो भी चाहेंगे जीवन में सब प्राप्त होगा, और आपके पास ज्ञान बहुत है। इस प्रकार के मस्तिष्क रेखा वाले जातक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में गेन करते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की कोई घटना बताएगा आपको, उसके बदले में आप 3 से 4 वैसी घटना और बता देंगे, क्योंकि आपके जीवन में इतना
ज़्यादा एक्सपीरियंस है ही, अच्छे से अच्छे लोगों की बोलती बंद कर पाने की आपके अंदर सक्षमता है, लेकिन आप कभी भी कटु वचन या किसी भी प्रकार का नकारात्मक बातें करने से बचते हैं, क्योंकि जो फिंगर है थोड़ी सी आपकी शॉर्ट है लिटिल वाली। लाइफ लाइन के ऊपर भी देखेंगे आप तो लाइफ लाइन का फॉर्मेशन बाहर की तरफ ही झुक रहा है, और फिर उसका देख जो सहयोगी रेखा रही वो भी बाहर की तरफ ही जा रही, बाहर यानी चंद्र की तरफ। तो इस कंडीशन में जन्म स्थान से दूर ही भाग्योदय के पूर्णतः योग बनते हैं। जीवन में तकरीबन 2 से 3 बार बड़े कष्ट दिख रहे हैं। एक तो यहाँ पर उम्र हो जाएगा 23 से आपका 24 के बीच में, इसमें एक्सीडेंट और घरेलू तकलीफ परेशानी मानसिक कष्ट दिख रहा है। फिर इसके बाद आपको स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ परेशानी उम्र 33 से लेकर 35 के बीच में दिख रही है। फिर एक और कष्ट यहाँ पर 40 की उम्र में दिखा, लेकिन उस समय सहयोगी रेखा है तो इतना बड़ा कष्ट 40 वाला नहीं था, लेकिन इसके पहले ये दो दोस्त ये जो समय था ये थोड़ा कष्ट में ज़्यादा था। अंदरूनी मंगल की स्थिति अभी सामान्य है, बाहरी मंगल विकसित ठीक है तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। आंतरिक रूप से यानी इंटरनल ये जो मार्स होता है ये आपके फिजिकल फिटनेस को दर्शाता है, तो ये जब थोड़ा बहुत भी वीक जाए तो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, जैसे थकान जल्दी महसूस होने लगना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगना। तो इसीलिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ों का सजेशन दिया जाता है ताकि स्वास्थ्य में सुधार अच्छा आ सके। शुक्र की स्थिति आपके हथेली में बहुत बढ़िया है, जो लग्जरियस लाइफ का मेन कारक है, तो तमाम तरह के लग्जरीज व सुख सुविधा का आनंद आप अपने जीवन में उठा पाने में सक्षम रहेंगे, और ये सारी सुख सुविधा आपने खुद के दम पर ही अर्जित की है, खुद के मेहनत से अर्जित की है, जैसे एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी। तो ये आप खुद भी जो है एंजॉय कर पाएंगे और अपने जो है घर परिवार में भी तमाम तरह की सुख सुविधा अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे, यानी अर्जित कर दे पाने में सक्षम रहेंगे। आड़ी रेखा थोड़े अनावश्यक चिंताओं को दर्शाती है, जो कि थोड़ा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर के द्वारा आता है, लेकिन ये शुक्र पर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला भी अच्छी है, जो जीवन में इस बात का प्रमाण होती है कि आपके जीवन में अवसर बहुत आए हैं आपके जीवन को सुधारने के लिए। तो ये शुक्र तो वैसे ही यहाँ पर तमाम तरह के भोग विलास, मोह माया, सुख सुविधा और एक प्रकार से इंटरटेनमेंट के प्रति रुचि, कला प्रेमी, इन सारे योगों का निर्माण करता है। तो ये शुक्र आपको जीवन में समृद्धि, प्रसिद्धि भी देगा, धन भी अच्छा देगा, और आपकी हथेली में धन रुकने का कोई योग दिख नहीं रहा है क्योंकि मनी ट्रायंगल ओपन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पैसा आता तो बहुत शानदार है, रुकता नहीं है, खर्चे थोड़े ज़्यादा बने रहते हैं। और जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि आपकी लाइफ लाइन के ऊपर भी आड़ी रेखाएं काट के गई हैं, तो ये जो आड़ी रेखाएं काट के गई है इनका उम्र हम देखेंगे तो ये उम्र निकल के आएगा 44, यानी इस एज में भी 44 से 46 की एज में भी आपको घरेलू तकलीफ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए लाइफ लाइन के ऊपर शुक्र से रेखा आकर के काट रही है। और अभी के समय में हल्की हल्की सी राहु की रेखाएं मस्तिष्क रेखा पर आ रही है, तो थोड़ा सा जो है अज्ञात भय चिंता भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा कष्ट दिख नहीं रहा है। केतु की स्थिति सामान्य है क्योंकि बायफोर का साइन है, तो यात्राओं का ये सौभाग्य को बढ़ाता है। और चंद्र के ऊपर देख सकते हैं तो यहाँ पर आपके एक ट्रेंगल का साइन बन गया है, जो कि जन्म स्थान से दूर खुद के घर होने के योगों को दर्शाता है, और इस प्रकार का स्क्वायर भी इवन। तो ये चंद्र अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, जिसके कारण लोगों के द्वारा प्रेम, दुलार, प्यार, सहयोग देखने को मिलता है। और अभी तो ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट आप और ज़्यादा करेंगे अपने जीवन में, तो इसलिए यहाँ पर जो है संपत्ति के अनुसार और कार्य के अनुसार आपकी प्रगति दिख रही है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लग्न लाइन सीधे शनि तक पहुँचा, तो जो भी काम शुरू करते हैं उसको प्रॉपर एंडिंग करके ही दम लेते हैं। और मून लग्न लाइन से कनेक्शन है तो मदर सपोर्ट भी लाइफ में अच्छा देखने को मिलता है, या मदर से लगाव अच्छा रहता है। मरकरी लाइन है जो व्यापारिक गुण देती है, और जीवन में बड़े बड़े कष्टों का सामना आपने किया है तभी इतनी बड़ी बड़ी रेखाएं आकर के काट के जा रही, जैसे एक काटी है यहाँ पर 38 से लेकर के ये 41 का ड्यूरेशन है, जिसमें इतनी बड़ी रेखा काटी जो घरेलू तकलीफ परेशानी को दर्शा रही है। फिर एक और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत दिखा रही है 33 से 35 में, और एक और यहाँ दिख रहा है आपको तकरीबन 27 में। तो ये सारे उम्र में भी बड़े बड़े कष्ट रहे, लेकिन अब आने वाले जीवन में जो है आपके बिल्कुल फ्लो अच्छा हो रहा है लाइफ लाइन को, तो बहुत बड़ा कोई कष्ट, अड़चन, बाधा दिख नहीं रहा है आप, इसलिए कोई बहुत चिंतित होने वाली बात नहीं है। स्टार का साइन भी है सूर्य के ऊपर, जो नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत को बढ़ाता है, तो दूर दूर तक पहचान बनने के योग यहाँ पर बनते हैं। और सबसे मेन बात है कि शनि रेखा है, शनि पर्वत, तो उस कंडीशन में जीवन संतोष प्रिय देखने को मिलता है, तमाम तरह की इच्छा मानों की पूर्ति होते हुए देखने को मिलती है। अब जो है आपका रुझान ध्यान अध्यात्म के प्रति ज्यादा जाएगा, जैसे भजन, कीर्तन, गायन और जो सामाजिक कार्यक्रम होता है उन सारी चीजों में, और उन सारी कार्यों से आपको आंतरिक रूप से संतुष्टि भी प्राप्त होने वाला रहेगा। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।